इंडिया एयरलाइंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है। अखिलेश यादव से मनभेद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बना ली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौर्य ने 22 फरवरी को इसकी औपचारिक घोषणा की, जिसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म था कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस खेमे में जाएंगे। अब पार्टी बनाने और उसकी शुरुआत करने के ठीक 10 दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह साफ कर दिया है कि उनका सपा में वापसी करने या पार्टी का विलय करने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को बिना किसी शर्त के समर्थन का ऐलान कर दिया है। बात इंडिया अलायंस को साथ देने का, तो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने फैसला किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तथा देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने, जातिवार जनगणना कराने आदि की मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अगर इंडिया गठबंधन हमें हिस्सेदारी देती है तो भी हम उनको समर्थन देंगे, अगर हिस्सेदारी नहीं भी मिलेगी तो भी हम उनको समर्थन देंगे। आने वाले समय के लिए इंडिया गठबंधन देश की मांग है। इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन के पीछे का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो सच है कि स्वामी ने अपनी पार्टी की औपचारिक शुरुआत से पहले ही ये बात कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड कही थी कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, पार्टियों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। इंडिया अलायंस में जब पार्टियां ही नहीं बचेंगी तो मजबूती कहां से आएगी? भाई आप भी साथ में नहीं है, अखिलेश यादव भी टूट गए हैं, गठबंधन टूट गया है, पहले भी कई पार्टियां अलग हो चुकी हैं, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, तो गठबंधन है कहां पर? अगर कोई पार्टी जा रही है तो कोई पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी भी, इसलिए जाने वाले ये चिंता न करें कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और रहेगा। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया था और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन अलग होने के दौरान ये बात भी दोहराई थी कि अखिलेश यादव से मतभेद है, मनभेद नहीं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में रहने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की सबसे ज्यादा नाराजगी राम गोपाल वर्मा और मनोज पांडे से रही।